Students and welcome in the online class of Adarsh Vidya Mandir. Bachon, this is for class 4. Subject is math. Topic kya hai isme? Finding the number of days between two given dates. Do date diya hua hai, uske beech ka kitna din hua, you have to calculate this one. To kya hai pahla question hai? Ki the number of days between 23 July 1947 and 18 July 18 October 1947. ठीक है बच्चों, तो 23 जुलाई, तो जुलाई में गिनेंगे 9 डेज होगा, 23 24 25 26 27 28 29 30 एंड 31, एक दिन इंक्लूड करते हैं तो फिर क्या है, 18 को छोड़ देंगे, यहां 17 जोड़ेंगे, दोनों में से एक ही डेट लेते हैं, तो ये 9 डेज हुआ अगस्त में, फिर 31 दिन हुआ, फिर उसके बाद सितंबर में 30 दिन हुआ, फिर अक्टूबर में 17 दिन, इस तरह जोड़ेंगे तो 87 डेज हो गया। तो ठीक है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन देखो, कोई अनुष्का के ग्रैंड मदर जो यूएसए छुट्टी मनाने के लिए 4 जून 2010 को गई, ठीक है, और वापस चली आई 26 अगस्त 2010 को वापस चली आई, तो डेज इन जून क्या होगा, जून में कितना तारीख हो गई, 4 को, तो 31 में से 4 घटाएंगे तो 27 हो गया, इंक्लूडिंग 4 जून को भी जोड़ लेते हैं, जुलाई में 31 दिन हो गया, फिर डेज इन अगस्त कितना हो गया, 25, 25 इंक्लूडिंग 26 अगस्त को भी, तो टोटल हो गया डेज 27 प्लस 31 प्लस 25 इज इक्वल टू 5 1 6 13 के 3 1 2 1 3 3 6 2 8 83 डेज, तो उसका वैकेशन छुट्टियों का कितना था, 83 डेज लंबा था। एक और क्वेश्चन देखो, यहाँ एक और क्वेश्चन है कि श्रुति स्टार्टेड हैरी पॉटर्स एंड डेडली हॉलोन 15 अगस्त को शुरू किया, 21 दिन कंप्लीट किया बुक में, ऑन व्हिच डे सी फिनिश द रीडिंग, तो किस दिन रीडिंग कंप्लीट किया, उसका फिनिश्ड किया, ये पूछता है, तो नंबर ऑफ डेज विच श्रुति रीड द बुक इन अगस्त, अगस्त में कितना दिन पढ़ा, तो 31 डेज का होता है, 14 15 अगस्त है तो 14 माइनस किया तो 17 डेज हो गया, 15 अगस्त को इंक्लूड कर दिया, नंबर ऑफ डेज इन सितंबर, तो 21 माइनस 17 बराबर 4, यानी क्या होगा, श्रुति कंप्लीटेड रीडिंग द बुक्स ऑन 4th सितंबर, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक, सो कीप वाचिंग फॉर असाइनमेंट्स। बच्चों क्या बताना है, इसमें टोटल नंबर्स ऑफ डेज बताना है, जब दो अगर संख्या दिया हुआ है गिवन, तो उसमें से नंबर बता देना है, तो हर महीने का काउंट करेंगे और जो डेट होगा उसको एक दिन इंक्लूड करेंगे तो लास्ट वाले डेज को छोड़ देंगे, या लास्ट वाले डेज को इंक्लूड करेंगे तो पहले वाले डेज को छोड़ देंगे। ओके, सो कीप वॉचिंग फॉर असाइनमेंट्स, दैट्स ऑल।